बेजान जिस्म, सूजी आंखें, हाथ पर काले निशान, सलाखों के पीछे हीरा किंग, ये वो तस्वीरें हैं जो इस वक्त की सुर्खियों में हैं। तस्वीरें चीख चीख कर इशारा कर रही हैं। हिंदुस्तान के खून पसीने की कमाई का 13,500 करोड़ रुपए लेकर फरार होने वाले मेहुल चौकसी की जमकर धुनाई हो रही है। भगौड़े मेहुल चौकसी की इतनी बुरी तरह से पिटाई हुई है कि उसके शरीर का एक एक रंग बेरंग हो गया, और इन सब के पीछे सिर्फ एक वजह सामने आ रही है, मोहब्बत। दरअसल हिंदुस्तानियों का पैसे पानी की तरह बहाने वाला मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड के चक्कर में सलाखों के पीछे पहुंच गया, और यहाँ पर चौकसी का हाल बेहाल है। 5-स्टार होटलों में वक्त गुजारने वाला शख्स मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड बबारा जराबिका को डिनर कराने गया था, जहाँ से उसकी गिरफ्तारी हुई। गौर से देख लीजिए, ये वही भगौड़ा हीरा किंग मेहुल चौकसी की गर्लफ्रेंड बबारा जराबिका है, जिसे डिनर कराने और यॉट पर घुमाने मेहुल चौकसी डोमिनिका की सरहद में दाखिल किया, सलाखों के पीछे पहुंच गया। मेहुल के गिरफ्त में आने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड बबारा वहां से फरार हो गई। कैरिबियाई मीडिया के मुताबिक बबारा जराबिका एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट सलाहकार है, और उसने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़ाई की है। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री गैस्टन ब्राउने के हवाले से एंटीगुआ न्यूज रूम ने दावा किया है कि भगौड़ा हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड को डोमिनिका की रोमांटिक ट्रिप पर ले गया था और वहीं पर पकड़ा गया। डोमिनिका में पुलिस के हत्थे चढ़ा चौकसी का मामला वहां की अदालत में है। एंटीगुआ उसे वापस अपने देश लेना नहीं चाहता, लेकिन इस बात की पैरवी जरूर कर रहा है कि भगौड़े मेहुल को वापस भारत को सौंप दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई डोमिनिका की अदालत में ही बुधवार को है। इस बीच भारत से कतर एयरवेज का एक विमान फ्लाइट नंबर A7CEE डोमिनिका लैंड कर चुका है। इसके साथ ही मेहुल के खिलाफ घोटाले और जांच से जुड़े जरूरी दस्तावेज भी भेजे गए हैं, जिससे कानूनी प्रक्रिया आसान हो सके। एक तरफ डोमिनिका में सलाखों के पीछे कैद घोटालेबाज मेहुल चौकसी पछता रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई में चौकसी के फ्लैट के दरवाजे और दीवार सरकारी नोटिस से पटे पड़े हैं। मुंबई के बालकेश्वर में गोकुल अपार्टमेंट की 9वीं और 10वीं मंजिल पर मौजूद मेहुल चौकसी के घर पर इन दिनों ताला लगा हुआ है, लेकिन यहाँ की दीवारें नोटिस से भरी पड़ी हैं। इनमें ज्यादातर नोटिस CBI, ED, इनकम टैक्स और पंजाब नेशनल बैंक समेत दूसरे बैंकों के हैं। दीवारों और दरवाजों के अलावा कई सारे नोटिस और समन जमीन पर बिखरे हुए हैं। इस वक्त मेहुल चौकसी अपनी किस्मत पर रो रहा होगा। आखिर क्यों डोमिनिका अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर कराने गया था? मेहुल चौकसी के लिए 2 जून की तारीख अहम होने वाली है, क्योंकि इस दिन कोर्ट में मेहुल को लेकर अहम सुनवाई होनी है। जाहिर है बुरी तरह जख्मी, दर्द से कराह रहे मेहुल चौकसी के लिए आने वाला वक्त टेंशन भरा होने वाला है। इस बीच शायद वो अपनी करनी पर पछताएगा, रोएगा, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा तो लग गया है कि उसका वक्त अब खत्म हो चुका है। पर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाइए PDF न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।